हाय एवरीवन, हाउ आर यू? यस, वेरी गुड आफ्टरनून. 10 10 10 10 क्लास 11th वाले मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तमाम ओके, टनाटन है घर पे, क्योंकि मुझे तो भी धनाधन बारिश हो रही है. तो अभी आप जहां भी रहें सेफ रहें, ठीक है? तो चलिए, मैं आप लोगों को 2-3 दिन क्लास नहीं दे पाया, इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी. तो आज से हमारी कोशिश है कि आप लोगों तक वीडियो पहुंचाते रहें और आप लोग घर पे बैठ के टन टनाटन फिजिक्स पढ़ते रहें, राइट? तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है, अगर आप देखोगे तो मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस एंड उसके एप्लीकेशंस तक पढ़ा चुका हूँ, राइट? तो उससे आगे हम बढ़ रहे हैं. आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस. समझिएगा चीजों को ध्यान से. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस, राइट? ओके, करेक्ट. सी, तो टन 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 फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. कितने प्रिंसिपल मैंने पढ़ाए थे? तो आप बोलोगे सर 4 प्रिंसिपल आपने पढ़ाए थे, जिसमें एक था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक था कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट ऑफ सिस्टम टू अनदर यूनिट ऑफ सिस्टम, थर्ड था कुछ एक था करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, एंड फोर्थ था क्या, बताइए, जल्दी बताइए. यस यस, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग मेनी वेरिएबल्स, राइट? यस. सो टुडे वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिएगा. द यूनिट ऑफ हीट, the unit of heat, right, is calorie. The unit of heat is calorie, which is 1 calorie is equal to 4.2 joule, right? Heat का जो unit है वो क्या है? Calorie है. और वो कितना है? 1 calorie is equal to 4.2 joule है. किसमें? ये SI system में आता है. Clear कहानी? Okay. Find the value of calorie in which समझिएगा, in which mass is alpha times, okay, correct, and length is beta times, okay, and time is gamma times. तो आपको ये समझना है कि न्यू वाले यूनिट में कैलोरी का वैल्यू कितना होगा. क्या टन 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 करते हुए सॉल्यूशंस पे मैं मूव करूं? यस, जल्दी बताओ यार, तुम यार शर्माते बहुत. तो यार देखो, जब क्लास में बैठा करो तो चाय कॉफी नाश्ता पानी सब लेके बैठा करो यार, भिखारियों की तरह बैठ जाते हो, बाद में जवाब देते नहीं हो तुम, ठीक है? तो देखो कहाँ थे फन, ठीक है? तो मैं सॉल्यूशंस पे आपको ले चलता हूँ. आपसे क्या पूछा गया है कि किसी सिस्टम में, ये आप देख पा रहे हैं कि SI सिस्टम में 1 कैलोरी का जो वैल्यू है वो 4.2 जूल है. आपसे बोला गया कि नया सिस्टम बना रहे हैं, न्यू सिस्टम बना रहे हैं, जिस सिस्टम में मास को हम अल्फा टाइम्स, इसमें अगर मास मान लो 1 kg है तो इसमें मास अल्फा kg होगा, इसमें टाइम मान लो सेकेंड है तो इसमें गामा सेकेंड होगा, और इसमें लेंथ मान लो मीटर है तो इसमें बीटा मीटर होगा. तो उस लेंथ में, उस सिस्टम में आपको 1 कैलोरी की वैल्यू बताना है. क्लियर कहानी? मैं चलूं आगे? अरे कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बताओ, ठीक है? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, 2 सिस्टम बनाएंगे. यस, जैसे आपने अगर जो क्लास लाइव लेक्चर मैंने लिया था उसमें देखोगे तो अपन क्या करेंगे, 2 सिस्टम बनाएंगे, ठीक है? ये जैसे एक हो जाएगा आपका ओल्ड सिस्टम, दिस इज द न्यू सिस्टम एंड दिस इज द ओल्ड सिस्टम. ओल्ड सिस्टम कहने का मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्या है, SI सिस्टम है. तो SI सिस्टम है तो मास किस में होता है, जैसे M है, ये होता है kg में, ओके,
और यहाँ पे लेंथ जो है एल, एक इसमें होता है मीटर में होता है, और ये जो होगा किसमें हो जाएगा जल्दी बताओ, टाइम जो होगा वो सेकेंड में हो जाएगा। बट यहाँ पे ये M1 हो गया, ठीक है, ये L1 हो गया और ये T1 हो गया। बट यहाँ पे अगर बात करते हो आप मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे मास में मान लेता हूँ M2, तो ये मास अल्फा kg होगा, क्योंकि तो अल्फा टाइम से, ये लेंथ मान लेता हूँ L2, तो ये बीटा मीटर होगा, और ये टाइम में T2 मान लेता हूँ, तो ये गामा सेकेंड होगा। ठीक है, अब समझिए, आपको बताया गया होगा N2 इज इक्वल टू होता है N1 टाइम्स M1 बाई M2 यस पावर ए, एंड L1 बाई L2 पावर बी, एंड T1 बाई T2 पावर सी। ये ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन आते हैं, डोंट वरी। चलिए थोड़ा सा मैं आगे इसको बढ़ा देता हूँ, यस, तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है आपकी कृपा से। अब क्वेश्चन है कि सर आपके लिए यहाँ पे ए फाइंड करना पड़ेगा, यस, बी फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, या तो आप SI में फाइंड कर लो, या आप CGS में फाइंड कर लो, या MKS में फाइंड कर लो। तो यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी कौन सा है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है कैलोरी है, और कैलोरी इज इक्वल टू 1, कैलोरी इज इक्वल टू कितना है, 4.2 जूल है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन किसका लिखूंगा मैं, जूल का लिखूंगा। सो डायमेंशन ऑफ कैलोरी इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ जूल, और जूल मीन्स एनर्जी। सो एनर्जी होता है मास L²T-2। सो अब यहाँ से कंपेयर करो तो मास का डायमेंशन कितना है, तो मास का डायमेंशन यहाँ पे 1 है। सो ए इज इक्वल टू बिकम्स 1, B इज इक्वल टू बिकम्स 2, एंड C इज इक्वल टू बिकम्स -2, करेक्ट। अब इक्वेशन, ये इक्वेशन सभी बेसिकली 1 है। अब आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, देखिएगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1, ये N1 कितना है, 4.2 वो दे रखा है, ओके, इनटू M1 है kg, और सेकेंड M2 है अल्फा kg, ग्रेट, इसका पावर हो गया 1। फिर है L1, L1 है मीटर, और L2 है बीटा मीटर, ओके, और इसका पावर हो गया 2, ओके, एंड ये है सेकेंड, ये है गामा सेकेंड, राइट, गामा सेकेंड, और इसका पावर है -2। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 4.2 इंटू 1 बाई अल्फा, क्योंकि केजी केजी गेट कैंसिल, इंटू 1 बाई बीटा की पावर 2, एंड इंटू 1 बाई गामा की पावर -2। इसको सोल्व करते हो तो ये हो जाएगा 4.2, राइट, अल्फा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा अल्फा की पावर -1, ये बीटा ऊपर चला जाएगा तो बीटा की पावर -2, और ये हो जाएगा गामा ऊपर चला जाएगा तो गामा की पावर -2, और ये खुद माइनस में जा रहा है तो ये हो जाएगा गामा की पावर +2। यानी कि न्यू सिस्टम में ये वाली वैल्यू होगी, सो दिस विल बी आवर आंसर, यस। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। किसी को समझ में नहीं आया तो बेझिझक आप मुझसे डाउट व्हाट्सएप ग्रुप पे या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत है तो कर बता दो, वरना फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, क्या कहते हो, बढ़ जाए आगे, ठीक है। तो एक नया क्वेश्चन से हम देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, मैं एक बार वो लिख देता हूँ, ठीक है। सो लिखेंगे क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग सरफेस। क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सरफेस, मूविंग अलोंग अ सरफेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सरफेस इज गिवन बाय के इज इक्वल टू
ए एस स्क्वायर, ओके, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आपको दिया गया, फाइनल इसमें, वेर एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ, ओके, एस जो है, दिस इज एस, सो दिया गया है डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल राइट by particle, distance travel by particle. So find the dimension of A. Find the dimension of A. Find the dimension of A. A का dimension आपको बताना है, ठीक है? Okay, fine. तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जो जो बेसिक क्लास में आपने पढ़ा उसी के बेसिस पे आपको करना है। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एलएचएस का डायमेंशन वही आरएचएस का होना चाहिए, तो सिंपल आप लिख दो डायमेंशन ऑफ एलएचएस मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। अगर मेरे दोस्त ये काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो एनर्जी का ही होगा m1 l2 t-2, एंड आर एच एस में हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए, और एस क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर एल स्क्वायर होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए डायमेंशन ऑफ ए आ रहा है m1 l0 t-2, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? बिल्कुल समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है? अगर जिसको समझ में नहीं आया बेझिझक अब बताइएगा सर, बेझिझक बेधड़क टनाटन फिजिक्स में बने रहे आप, ठीक है? तो अपन एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यस यस, बने रहे फिजिक्स में आप, यस टनाटन लिखेंगे, ओके। जैसे आप देखेंगे फोर्स इज इक्वल टू है ए अंडर रूट एक्स, ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, ये है, ठीक है? तो बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ, समझिएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ ए बाई बी, यानी कि दोनों के डायमेंशन का आपको रेशियो फाइंड करना है, ठीक है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल बेझिझक कर सकते हो। देखो सिंपल सा तरीका है, मैं आपको एक सिंपल वे में लेके चलता हूँ सॉल्यूशन पे, ठीक है? चलिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए देखें यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ, क्या ये अगर फॉर्मूला करेक्ट है तो फोर्स का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन आरएचएस का होना चाहिए, जो डायमेंशन एलएचएस का है वही डायमेंशन आरएचएस का होना चाहिए, और ये तय है कि जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका भी होना चाहिए, तो यानी कि दोनों क्वांटिटी के डायमेंशन किसके इक्वल होने चाहिए, फोर्स के इक्वल होने चाहिए। बस हो गया कहानी खत्म। समझ में आ रहा है कि अब इफ ये फॉर्मूला करेक्ट है इसका मतलब यह है कि एलएचएस के डायमेंशन इज इक्वल टू आरएचएस का डायमेंशन। अगर एलएचएस के डायमेंशन इज इक्वल टू आरएचएस का डायमेंशन है और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ऐड तभी होते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा, यानी इन दोनों का डायमेंशन भी फोर्स होगा और इन दोनों का डायमेंशन भी फोर्स होगा, तभी तो ये ऐड होके किसके डायमेंशन के इक्वल आएंगे, फोर्स के डायमेंशन के इक्वल आएंगे। सो अल्टीमेटली मैं यहां कह सकता हूं डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स, ओके। अब x क्या है यहाँ पे, तो सिंपल डिस्टेंस है। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है वो आपको मालूम होगा, m1 l1 t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, और यहाँ हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a इंटू l^1/2, ठीक है? अब इसको इस साइड भेज दो, तो यहां से आप फाइंड कर सकते हो क्या डायमेंशन ऑफ a, यहां से आ जाएगा m तो एज इट इज होगा, एल की पावर ये वन है उधर से आएगा माइनस हाफ, ये हो जाएगा एल की पावर 1/2 इंटू टी की पावर -2 एज इट इज, ठीक है बने रहिए। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्या इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। देखो डायमेंशन ऑफ फोर्स
इज इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू टी स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्त, फोर्स की डायमेंशन क्या है, एम वन एल वन टी माइनस टू, और वो टी इधर से आ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा टी स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा एकदम वन एम वन एल वन टी माइनस फोर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बी। बट अभी हमारा आंसर नहीं आया बिकॉज हमें दोनों का रेशियो फाइंड करना है। सो सिंपल मैं लिख देता हूँ डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड डायमेंशन ऑफ बी। तो ए का डायमेंशन है एम वन एल पावर हाफ टी माइनस टू डिवाइडेड एम वन एल वन टी माइनस फोर। अब इसको सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा एल पावर माइनस हाफ इन टू टी पावर टू, दिस विल बी आवर आंसर। एक क्वेश्चन और देखोगे क्या, क्या कहते हो, देख ले, चलते क्वेश्चन और देख लेते हैं आप, अगर बुरा ना माने तो ठीक है। चलो तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिए चलता हूँ। चलो तुझे मैं चांद के पार लेके जाऊं, चलो तुझे चांद के पार ले जाऊं। चांद के पार चल रहे हैं क्या है? नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो रे, आई थिंक ये थर्ड क्वेश्चन होगा, मालूम नहीं थर्ड है फोर्थ है, आपको देख लेना। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इन ए स्पेसिफिक रेक्टिलिनियर मोशन इज गिवेन बाय, तो मैं लिख देता हूँ, देखेंगे आप। पोजिशन ऑफ पार्टिकल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे, चलो पोजिशन ऑफ पार्टिकल इन ए स्पेसिफिक रेक्टिलिनियर, पोजिशन ऑफ पार्टिकल इन ए स्पेसिफिक रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन इज गिवन बाय, गिवन बाय सी हियर एक्स टी इज इक्वल टू वी नॉट बाय बीटा ओके इंटू वन माइनस ई पावर माइनस बीटा टी, राइट, समझेगा चीजों को, वेयर वी नॉट एंड बीटा आर डिटरमाइन द डायमेंशन कॉन्स्टेंट है, सो डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ वी नॉट एंड ए, वन मिनट होल्ड करो। ओके तो आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ, ओके डिटरमाइन द, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ वी नॉट इंटू बीटा, आपको इन दोनों का डायमेंशन बताना है, काफी आसान है, आप कर सकते हो इस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आइए, सॉल्यूशन पे आइए। मैंने आपको जब कभी भी हो सके आज से चार साल फाइव ईयर्स अगो मैंने आपको पढ़ाया होगा, तो वहां पे बताया होगा कि कुछ क्वांटिटीज जो होती है वो डायमेंशन लेस होती है, जैसे कॉन्स्टेंट टर्म हो गए, एंगल हो गया, या आर्गुमेंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, या आर्गुमेंट ऑफ लॉग फंक्शन हो गया, या पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म्स, ये सब कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आता हूँ, ये कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा, तो ये टोटल डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको डायमेंशन लेस करना है, तो कह सकता हूँ कि बी इंटू टी का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन लेस होगा, यानी कि एम जीरो एल जीरो टी जीरो होगा। तो यहां से आप खुद कह सकते हैं डायमेंशन बीटा जो होगा वो हो जाएगा एम जीरो एल जीरो एंड टी माइनस वन, क्योंकि वो माइनस से घर आ जाएगा, सो दिस बिकम डायमेंशन ऑफ बीटा। अब समझिए ये टोटल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन लेस है, दिस टोटल जो ब्रैकेट दिख रहे हैं ये डायमेंशन लेस है, इट मीन्स डायमेंशन ऑफ दिस वन मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी नॉट बाई बीटा। अब आप खुद फाइंड कर लो, नहीं यही तो आपको फाइंड कर, जब मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है नो इशू, तो यहां से आप फाइंड करोगे तो डायमेंशन ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्स इंटू बीटा,
और एक्स क्या है साहब, एक्स तो मीटर है, तो हो गया एक्स मीटर है, तो मास तो जीरो हो गया, एल वन हो गया, और बेसिकली बीटा का डायमेंशन क्या है, तो ये सब तो जीरो है, बीटा का डायमेंशन टी माइनस वन है, बीटा का डायमेंशन टी माइनस वन है। सो फ्रॉम हियर यहां से आपको क्या मिल गया, वी नॉट का डायमेंशन मिल गया और बीटा का डायमेंशन आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, क्लियर। तो अब सिंपल आंसर आ जाएगा आपका। सो डायमेंशन ऑफ सी, यहां देखिए एक, यहां से देखिए डायमेंशन ऑफ वी नॉट इनटू बीटा जो होगा वो हो जाएगा, वी नॉट कितना है जल्दी बताइए, ये एम जीरो एल वन टी माइनस वन है और बीटा है टी माइनस वन, सो ये डायमेंशन हो जाएगा एम जीरो एल वन एंड टी माइनस टू, यानी कि क्या है, एक्सेलरेशन है, दिस इज अ एक्सेलरेशन, राइट। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि बच्चों आपको समझ में हर चीज आ रही है, अगर समझ में नहीं है तो बेझिझक मेरे दोस्त आप मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट कीजिए, डाउट पूछिए, ठीक है, यू आर द मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट, सो प्लीज पुट योर एफर्ट टू अंडरस्टैंड, इफ यू नॉट गेट एनी पॉइंट यू आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस विद मी, ओके। सो लेट्स वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, आर यू एग्री, क्या आप रेडी हैं सर, जल्दी बताइए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। जैसा आपने मुझे बताया कि मैं रेडी हूं, तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा और क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है टेस्ट वेदर, सॉरी टेस्ट वेहर, द गिवन क्वांटिटी आर डायमेंशनली करेक्ट, टेस्ट वेयर द गिवन क्वांटिटी और गिवन यस फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, करेक्ट और नॉट, तो कैसे पता चलेगा, तो यहां से आपको चेक करने का तरीका बताया गया है, जब आप बेसिक पढ़े होंगे तो मैंने आपको तरीका बताया गया होगा कि कैसे चेक करना है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट, पार्ट ए है कि इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट एफ वाई एम है, जहां पे एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को, इस चीज को ध्यान रखें, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, एन विल रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, एल विल रिप्रेजेंट लेंथ, ओके, एंड एफ विल रिप्रेजेंट फोर्स, आप जानते ही हैं कि एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को, एंड एम विल रिप्रेजेंट मास, एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास को, क्लियर काम। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है वो एक बार मैं ले लेता हूँ, दो तीन क्वेश्चन है दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ, फिर एक साथ मैं डिस्कस भी कर दूंगा। सो पार्ट टू यानी कि बी पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। सो बी पार्ट है आपका, वाई इज इक्वल टू ए साइन वी टी, ध्यान दीजिएगा ए साइन वी टी, ठीक है, जहां पे y डिस्प्लेसमेंट है, y क्या है, y इज अ डिस्प्लेसमेंट, ओके, y इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड a इज अ एम्पलीट्यूड, a इज एम्पलीट्यूड, सी यहां देखिए v इज वेलोसिटी, v जो है वेलोसिटी है एंड t जो है माय डियर स्टूडेंट टाइम है, क्या है, टाइम है, ओके। एक क्वेश्चन और है उसको भी चेक कर लेते हैं, सी सी में दिया है कि v इज इक्वल टू अंडर रूट टी एल वाई एम है, जहां पे टी टेंशन है, टी क्या है, टेंशन है, एल क्या है, एल इज अ लेंथ, एल हमारा लेंथ है एंड एम इज व्हाट, मास। अब क्वेश्चन है वी क्या है, सो वी इज अ वेव स्पीड, वी इज व्हाट, दिस इज अ वेव स्पीड। अब आते हैं चेक करते हैं बेटा इस चीज को, इसको सॉल्व करते हैं कि किसका क्या मतलब है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है, तो सॉल्यूशंस पे आ जाइए, पहला पार्ट लीजिए, तो पहला पार्ट का जो इक्वेशन वो मैं लिखता हूँ, एन इज इक्वल टू है 1/2L अंडर रूट फोर्स बाय मास, क्या यही है, करेक्ट।
अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये दिया गया रिलेशन करेक्ट है या नहीं। तो करेक्ट है या नहीं, इसके लिए मैंने बताया था कि जो LHS का डायमेंशन है वही RHS का डायमेंशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो करेक्ट है, अगर ऐसा नहीं है तो वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अब समझिए। अगर मैं LHS की डायमेंशन की बात करता हूँ तो LHS में क्या है, LHS में है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। और आपने अगर क्लास 11th में हो तो 10th 9th पास करके आए होंगे या 11th में थोड़ा मतलब पढ़े होंगे, तो आपको बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम का इनवर्स होता है, तो इसलिए इसका डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 एंड t-1। ये इसका डायमेंशन हो, किसका? फ्रीक्वेंसी का, यानी कि LHS का। LHS का ये डायमेंशन हो गया। अब आपको RHS का डायमेंशन फाइंड करना है, राइट? अब आपको क्या करना है, डायमेंशन ऑफ RHS फाइंड करना है। तो RHS के डायमेंशन के लिए आप इसको फाइंड कीजिए। तो देखिए 1/2, 2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा -1, क्योंकि 1/L है, और ये हो जाएगा फोर्स। तो फोर्स का होता है m1 l1 t-2, डिवाइडेड मास है और इसका पावर है 1/2। तो फाइनली अगर आप सोल्व करते हो तो देखो मास और मास गेट कैंसिल, सो मास एंड मास अगर कैंसिल होता है तो ये हो जाएगा एल की पावर -1, और यहां से हो जाएगा एल की पावर हाफ। कितना हो जाएगा? एल की पावर 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी की पावर -1। सो फाइनली ये हो जाएगा m0 एंड एल की पावर -1 एंड एल की पावर हाफ। सो दिस बिकम एल की पावर -1/2 इंटू टी की पावर -1। सो अब देखें ये हो गया m0 एल की पावर -1/2 एंड टी की पावर -1। सो दिस विल बी डायमेंशन ऑफ RHS। तो अगर आप देखोगे LHS और RHS दोनों आपके सामने हैं, क्या दोनों का डायमेंशन सेम है? तो आप बोलोगे सर रॉन्ग, दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है। तो मेरे दोस्त, दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है, इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं। समझ रहे मेरी बात को? सिंपल, यहां से मैं लिख देता हूँ, यहां देखें सिंस चूंकि वॉट एवर, ओके दूसरा पेन दे देते हैं। सिंस डायमेंशन ऑफ LHS Not equal to dimension of RHS. LHS का जो डायमेंशन है वो RHS के इक्वल नहीं है, so that not correct. ये फॉर्मूला जो है करेक्ट नहीं है। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो 110% ये मैथमेटिकली करेक्ट भी नहीं होगा, यानी कि फॉर्मूला जो है वो रॉन्ग है। ठीक है सर, चलिए अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। जो सेकेंड हमारा क्वेश्चन था वो क्या था उसको एक बार देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या यही था, y इज इक्वल टू a साइन v इंटू टी था। ओके करेक्ट। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो सिंपल देखिए, हमने पढ़ाया है आपको ये जो टोटल क्वांटिटी होती है डायमेंशन लेस होता है। तो सिंपल अगर मैं कहना चाहूँ तो क्या ये कह सकता हूँ कि जो डायमेंशन LHS का होगा वो क्या होगा, y के इक्वल होगा। दिस विल बी डायमेंशन ऑफ y, सो दिस शुड बी डायमेंशन ऑफ m0 l1, बिकॉज y इज डिस्प्लेसमेंट t0। क्या अगर मैं डायमेंशन ऑफ RHS फाइंड करता हूँ, यहाँ देखें डायमेंशन ऑफ RHS, तो ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो वो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड यानी मीटर, तो ये भी हो जाएगा m0 l1 t0। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू है डायमेंशन ऑफ RHS। यस, सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन एंड दिस इज द करेक्ट रिलेशन। सो ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन मैच कर रहा है। चलिए अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। जो भी हमारा थर्ड पार्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करना है। चलिए मैं थर्ड पार्ट पे आता हूँ, द पार्ट इज सी। सी पे अगर मैं बात करता हूँ तो सी शायद है वेव स्पीड इज इक्वल टू क्या है,
अंडर रूट टी एल वाई मास है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डायमेंशन ऑफ एल एच एस। तो अगर मैं एल एच एस चेंज करता, अगर मैं एल एच एस की बात करता हूँ, एल एच एस ये हो जाएगा क्या, डायमेंशन ऑफ वेव स्पीड, और वेव स्पीड यानी कि मीटर पर सेकेंड, एम जीरो एल वन टी माइनस। अगर मैं बात करता हूँ डायमेंशन ऑफ आर एच एस, सो डायमेंशन ऑफ आर एच एस इज इक्वल टू हो जाएगा टी एल वाई मास की पावर 1/2। अब यहाँ पे आ जाइए, टी टेंशन है राइट, ठीक है टेंशन, तो टेंशन तो वही होता है बेटा, टेंशन क्या होता है वही होता है, तो एम न्यूटन होता है, एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू लेंथ है एल डिवाइडेड मास है एम पावर 1/2। तो ये गेट कैंसिल, यहाँ पे एल और एल की पावर 2 हो गया। तो फाइनली सोल्व करोगे तो आएगा एल वन एंड टी माइनस टू, यानी कि डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू है डायमेंशन ऑफ आर एच एस, ये सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी क्या है करेक्ट है। आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो हो सके आज या कल जो अपलोड करूंगा उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम्स के दो लेक्चर्स आपके पास आएंगे डायमेंशन एनालिसिस पे, उसके बाद मैं फर्दर टॉपिक्स को कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ टनाटन फिजिक्स की तरफ से, दुआ करता हूँ कि आप जहाँ रहें सेफ रहें और सर बिंदास स्टडी करते रहें, बिकॉज ये हमारा अल्टीमेट पावर है जिसको हम रुकने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे सर बहुत जल्द, मिलते हैं, चलिए बहुत बहुत।